रायबरेली में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने काशीराम जी की प्रतिमा का अनावरण किया तो उसके बाद से सियासी घमासान छिड़ा है। बसपा लगातार समाजवादी पार्टी पर तमाम आरोप लगा रही है। हमारे साथ में सपा प्रवक्ता पूर्व MLC उदयवीर सिंह जी हैं। उदयवीर जी, काशीराम जी की प्रतिमा का अनावरण किया अखिलेश जी ने, और बसपा के जो कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद वो कह रहे हैं कि एक तरफ तो बहुजन समाज के महापुरुषों का अपमान करते हैं आप लोग, उनके नाम पर जब जिलों का नाम रखा जाता है वो बदल देते हैं, और अब इस तरह के ढोंग कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी दोनों कार्यकर्ताओं की भावना और इच्छा के अनुरूप साथ आई थी। जब गठबंधन हुआ तो बहुत सारी पुरानी बात गड्ढे में चली गई और मायावती जी ने और नेताजी ने मंच साझा किया, एक दूसरे का प्रचार किया, तो ऐसी परिस्थितियों में उन पुरानी बातों का कोई विषय नहीं बचा। बहुत सारे समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के जो पुराने साथ काम किए लोग हैं वो सब माननीय अखिलेश यादव जी के साथ काम भी कर रहे हैं, और आज भी बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता उस गठबंधन की भावना से एक दूसरे के बातों को, विचारधारा को शेयर ही नहीं करते, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के अत्याचार अन्याय के खिलाफ लड़ना भी चाहते हैं। अब जो भी बसपा की मजबूरी रही कि लोकसभा में अच्छी सीटें आने के बाद 0 से 10 जाने के बाद भी उन्होंने गठबंधन तोड़ दिया, मुझे लग रहा है उन्हीं मजबूरियों में वो ऐसे ट्वीट कर रहे हैं। वरना समाज काशीराम जी का योगदान है समाज को परिवर्तित करने में, और उनका सम्मान कोई करता है, उनको रिकग्नाइज कोई करता है तो उसकी तो स्वागत होना चाहिए। आज डॉक्टर लोहिया जी का कोई स्वागत करे, सम्मान करे, नेताजी का कोई करे, हम स्वागत करेंगे, बसपा के लोग करें, हम करेंगे। हर किसी की निगाह दलित वोट बैंक पर टिकी है, समाजवादी पार्टी हो या भाजपा हो। भाजपा आप सहभोज के कार्यक्रम करने जा रही है दलित बस्तियों में जाके। भाजपा भोज, देखिए सरकार में जब आप होते हैं तो आप पे बजट होता है, आपको व्यवस्था परिवर्तन करना होता है, जो व्यवस्था से पीड़ित लोग हैं उनको राहत देनी होती है। आप आरक्षण खा जाएंगे, भोज की बात करेंगे, आप जो है लोगों का अपमान कराएंगे जिलों में, शासन प्रशासन से बदतमीजी कराएंगे, गाली दिलवाएंगे और भोज का कार्यक्रम करेंगे, उसका कोई मतलब नहीं है। हर दल अपने हिसाब से सोचता है। समाजवादी पार्टी ये समझती है कि जो पीड़ित शोषित वर्ग हैं इस देश के, जो ऐसे वर्ग हैं जिन्हें सामाजिक न्याय नहीं मिला है, जिनको हक हिस्सा सम्मान नहीं मिला, उनको सम्मान दिलाना बहुजन हो या समाजवादी हो, दोनों की विचारधारा का हिस्सा है। समाजवादी पार्टी और हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी उसको आगे लेके चल रहे हैं, जो लोग उसमें मदद करना चाहते हैं उनका स्वागत है। एक ट्वीट किया आज अखिलेश यादव जी ने कि जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की एक कविता है उसको NCERT के सिलेबस से हटा दिया गया है, तो उन्होंने कहा कि राम की शक्ति पूजा जैसी कालजयी रचना करने वाले की कविता को हटाना सिलेबस से गलत है, जितनी भी इस तरह की रचनाएं हटाई गई हैं उन्हें वापस सिलेबस में शामिल किया जाए। किसी एक्सपर्ट कमेटी ने पहले उन कविताओं को उनको रखा होगा, तो ये मन मर्जी से नहीं हो सकता ना कि कभी भी आपकी इच्छा आई और आपने किसी को निकाल दिया। कोई ना कोई एक्सप्लेनेशन, कोई ना कोई बात आनी चाहिए, और सरकार को मुझे लगता है कि हस्त पाठ्यक्रम से लेके और शिक्षा व्यवस्था इसको सुधारने का काम करना चाहिए। इसमें व्यक्तिगत दिमाग और व्यक्तिगत इच्छा अनिच्छा को नहीं शामिल करना चाहिए। सपा दो हिस्सों में बटी हुई दिख रही है इस समय, एक तरफ स्वामी प्रसाद मौर्य का गुट, एक तरफ आप ही की पार्टी के विधायक मनोज पांडे जी का गुट। गुट कुछ नहीं होता है, रैली में कार्यक्रम हुआ, पोस्टर से तस्वीर गायब रहती है मनोज पांडे। एक जिले में सैकड़ों कार्यक्रम होते हैं, जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जाते हैं तो चार चार पाँच पाँच जगह कार्यक्रम होते हैं, हर आदमी अपना कार्यक्रम कर सकता है, जिसको जैसे स्वागत करना है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का करे। बाहर के लोग बड़ा परेशान है, न स्वामी प्रसाद मौर्य जी को दिक्कत हो रही, न मनोज पांडे जी को दिक्कत हो रही, बाकी सबको दिक्कत हो रही। दिक्कत नहीं तो पोस्टर एक लगवा देते स्थानीय विधायक। अब ये मैं आपसे पूछ के लगवाऊँ थोड़े लगवाऊंगा, किसने कार्यक्रम किया, कैसे किया, सब ठीक है, वो लोग जाने। नहीं, दलों के अंदर लोगों की, आप जाने किस किस नेता का नाम लेंगे, उसका पोस्टर नहीं, इसका पोस्टर नहीं, सबका पोस्टर नहीं आता। पार्टी एक है, झंडा एक है, साइकिल निशान है, इसी के नीचे सब है। आखिरी सवाल, निकाय चुनाव को लेकर बड़े बायोडाटा लेकर लोग पहुंचे हैं। निश्चित तौर पर चुनाव है, और आप जानते हो कि सारे चुनाव यूपी में भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच में हो रहे हैं, तो अगर ऐसी परिस्थितियाँ हैं तो इसमें लोग तो आएंगे ही, और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जिलों के और उन क्षेत्रों के महत्वपूर्ण नेताओं से सलाह मशवरा करके कोई डायरेक्शन देंगे, उसके हिसाब से समाजवादी पार्टी मजबूती से लड़ेगी। तो ये थे हमारे साथ में उदयवीर सिंह, जिन्होंने कहा कि किस तरह से अगर बात की जाए दलित समाज को लेकर, तो उन्होंने कहा कि अगर कोई काशीराम का सम्मान करता है तो ये अच्छी बात है, और ऐसे में इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। जहां तक बात की जाए दलित समाज में जाकर भाजपा के कार्यक्रमों की सहभोज करने की, तो उसको लेकर हालांकि उन्होंने साफ तौर पर तंज भी कसा। कैमरा सहयोगी जितेन के साथ शैलेश अरोरा, ABP गंगा, लखनऊ। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।